पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद का शिक्षा विभाग किस कदर लापरवाही बरतने में लगा है, इसकी वानगी उस समय सामने आई जब शहर के बीच स्थित एक प्राथमिक स्कूल की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिखवाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार अरबों रुपए का बजट जारी करती है जिसे शिक्षा सुधार के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्कूलों का स्तर देखकर बच्चों के भविष्य पर तरस आता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है मुरादाबाद के प्राथमिक विद्यालय में, जहां पर टॉयलेट के सामने की दीवारों पर जो स्लोगन लिखे गए हैं वो बेहद आपत्तिजनक है, जिस पर बहुत ही अपशब्द लिखे गए। ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल जब स्कूलों में किया जाएगा तो ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। ये हाल है मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी से चंद कदमों की दूरी पर बने प्राथमिक विद्यालय का, जहाँ पर स्कूल से कुछ ही दूरी पर जिलाधिकारी का ऑफिस भी है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल परिसर में इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाना और गालियों को ही स्लोगन बना देना यहाँ के अध्यापकों का ये हुनर सामने आया है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय में टॉयलेट बना हुआ है और उसके पास ही गालियों का स्लोगन लिख दिया गया जो सभी को हैरान कर देने वाला है। कुछ नहीं, कोई यहाँ का मोहल्ले का, यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, शाम को भी खेलने आते हैं और पार्किंग भी करते हैं लोग यहाँ पे, बहुत से आके बैठते भी हैं। किस बच्चे ने क्या लिख दिया उससे उसको वो कर रहा था। क्या लिखा हुआ था इसके? उसमें पेशाब के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पे लोग आके पेशाब कर देते हैं, पेशाब के बारे में लिखा था, कुत्ता मूत रहा। बस उस चक्कर में इन्होंने अपना वो बना लिया इशू। किसने मिटाया है, मिटवा दिया? ये तो जब इन्होंने आपत्ति जाहिर करी तो यहाँ मिटवाया गया। अच्छा, एक शिक्षण संस्थान में ये सारी चीजें लिखना, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत है, क्या ये ठीक है? गलत है। सेंटर किसने लिखवाया, किसने क्या लिखवाया, हमें तो इस बारे में नॉलेज नहीं, क्योंकि दिन भर स्कूल खुले रहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कोई चौकीदार नहीं है रात के लिए जो गेट बंद कर दे, क्योंकि यहाँ दो दो तीन तीन स्कूल चल रहे हैं और एक लेखा का ऑफिस है। ऐसे स्कूल के बाद में कौन यहाँ पे आके क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। ये कब से कब से? देखिए शराब के क्वार्टर यहाँ मिलते हैं, यहाँ आदमी मूत के चला जाता है, ठीक है, उसके बाद में कौन यहाँ क्या कर रहा है हमें नहीं पता। हमने पुलिस प्रशासन को भी शिकायत करी गई थी तो हमने दिखाया, लोग चर्च तक पीते हैं यहाँ पे, क्या करा है हमने दिखाई है। तो स्कूल बंद करने के बाद में हमारी जिम्मेदारी थोड़ना है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन लिख के गया कौन नहीं लिख के गया, इसके अंदर हमारी जिम्मेदारी थोड़ना बनता है। कब लिखा, कब से लिखा हुआ ये? अब लिखा हुआ था ये 4-5 दिन हुआ दिखे शायद इसे, किसी ने देखा नहीं तो हमने इसको हटा दिया। किसी ने देखा नहीं तो हम अब किसी को हम एडमिट आएंगे, पता ना कौन है कौन नहीं आया, क्यों किसकी जानकारी हमें ढूंढना है। अच्छा 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 अच्छा, स्कूल बंद होने के बाद में जिम्मेदारी यहाँ खतरा, 11:30 बजे स्कूल बंद हो गया, अब हम घर चलेंगे, यहाँ पे आके कौन क्या काम कर रहा हमें नहीं पता। अभी पीछे मर्डर हो गया था है, वो कह रहे थे मर्डर हो गया था, तो हम जिम्मेदार ढूंढना उस चीज। कितने दिन पहले लिखा हुआ होगा ये, लगभग कितने दिन पहले? हफ्ते मतलब हफ्ते भर से लगातार ना। अच्छा, यहाँ लेखाधिकारी का देखा आपने, आपत्तिकारी आपने सो मजाया था, हमने मिटा दिया। ये लेखाधिकारी का ऑफिस है, ये ऊपर लेखाधिकारी का ऑफिस है, अब सब ऊपर रहते हैं। यहाँ पे जो 11:30 बजे से स्कूल बंद हो जाता, अब स्कूल बंद होने का टाइम हुआ तभी लिखा हुआ है, जल्दी आके से काम करते हैं। अब कोने में क्या काम हो रहा है ऊपर वाले भी नहीं देख सकते। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट में जैसे बुक करा कि यहाँ पे ये लिखा था कि जो मैंने आपको शेयर भी करा है और बताया कि यहाँ पे मूत्र है, फिर मैंने यहाँ पे काफी लोगों से बोला तो ये लोग मुझसे बोलते हैं कि हमने आज पहली बार देखा है। स्कूलों का बच्चा है, यहाँ बाथरूम बराबर बच्चे जाते भी होंगे सर, इनको अभी तक नहीं पता, अवेयरनेस बिल्कुल एक पैसे की नहीं है यहाँ पे ये कर रहे हैं। मेरा बस मोटिव ये था सर आपको बताने का। अच्छा, जो चाहता था सोनम्बर डालकर पुलिस को बुला सकता, जैसे ही मैंने इन्फॉर्म किया तभी उन्होंने डिलीट कर दिया। देखिए सर, क्या इस तरीके की शिक्षा बच्चों को पहुँच रही होगी, सही शिक्षा दे पा रहे हो? बिल्कुल निगेटिव है सर, ये अप्रोच इनकी बिल्कुल निगेटिव है, इनकी अप्रोच है ही नहीं सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि अप्रोच इनकी होती है कि क्या घर में भी ऐसे ही करते हैं लोग, ये कि अप्रोच घर में नहीं रखते, क्या घर में चीज़ें नहीं रखते आदमी, क्या जो माहौल स्कूल का घर का आप डिफरेंसेस कर रहे हैं कि वह सैलरी बेस काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा, कि सैलरी हमारी बन जाए और हम मस्त में रहें, हमारा रिटायरमेंट हो जाए, यहाँ से हमारी पेंशन बन जाए। अभी आप करेंगे, अभी हड़ताल कर देंगे एक सेकंड के अंदर, लेकिन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर लिखा था कुत्ते का बच्चा, मतलब कि कुत्ते के बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे जो है हम भी उस लॉबी में खड़े होते हैं हम लोग। ये साहब, ये यहाँ का शिक्षा का वो है स्टैंडर्ड, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ पढ़ाई पर ऑलरेडी एम्फोसिस किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर? मतलब इन्होंने
प्रशासन से, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से और चीज़ों सबसे ऊपर खड़े हैं लोग इसके लिए। इनके निगाहों में केवल सैलरी और पेंशन, बाढ़ में जाए भारत, बाढ़ में जाए जनता, हमें